Subscribe to the AutoGyann channel and hit the bell icon for get notified each time when we upload a new video. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे KTM Duke 125 के बारे में। तो दोस्तों, KTM इंडिया ने ठीक आज से एक महीने पहले अनाउंस किया था कि वो लोग अपनी KTM Duke 125 को इंडिया में लॉन्च करेंगे, तो फाइनली लॉन्च कर दिया और इसकी प्राइस को भी अनवील कर दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको जस्ट अपनी फ्रैंक ओपिनियन दूंगा कि मैं इस बाइक के बारे में क्या सोचता हूँ, क्या ये बाइक इंडिया में सक्सेस हो पाएगी कि नहीं। आप भी अपनी ओपिनियन जरूर इस बाइक के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में क्या KTM Duke 125 इंडिया में सक्सेस कर पाएगी कि नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, KTM Duke 125 की जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 1.18 लाख, यानी 1,18,000 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। और अगर हम लोग इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है जो पावर जनरेट करता है 14.3 पीएस का और 12 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट करता है। तो अभी तक का सबसे स्मॉलर कैपेसिटी वाला KTM इंजन लेके आ रहा है ड्यूक 125 के साथ। आपको इसमें पावर तो बहुत कम मिलेगा, ऑफकोर्स 125 सीसी इंजन है। तो अगर हम लोग इसके पल्सर के 150 सीसी से कंपेयर करें इसका इंजन, तो पल्सर के इंजन में आपको 14 पीएस का पावर मिलता है और 13.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, यानी पल्सर 150 में आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, KTM Duke 125 में और एक तो बहुत बड़ी चीज़ कमी रख कर दी है KTM वालों ने, वो कर दिया है सिंगल चैनल ABS। जैसा बहुत कस्टमर्स अब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डबल चैनल ABS देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो KTM वालों ने एक तरह से मजाक कर दिया। 125 सीसी का इंजन, इतनी कम पावर वाले इंजन भी आपको दे रहे हैं और आपको सेफ्टी भी पूरी नहीं दे रहे सिंगल चैनल ABS। अभी के हिसाब से सिंगल चैनल ABS उतनी वर्थ नहीं है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट भी हायर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है। और अगर हम लोग दूसरी इसकी जो प्रॉब्लम है वो अगर हम लोग एक तरह से प्रॉब्लम नहीं, अगर हम लोग दूसरी इसमें जो कमी कर दी KTM वालों ने वो क्या कर दी कि बहुत लोग सोच रहे थे कि हमें KTM Duke 390 जैसा डिज़ाइन मिलेगा, वैसे ही हम लोग को इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वैसे ही इसका ग्राफिक्स, वैसे ही सेम बॉडी डिज़ाइन मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे KTM Duke 200 वाली डिज़ाइन दे रहा है KTM इंडिया में। तो जैसा बहुत हम लोग को हमेशा देखने को मिला है कि यूरोप या बाहर की मार्केट में बाइक कंपनी जो है काफ़ी सारे फीचर्स ऐड करके सेल करती है, लेकिन इंडिया आते आते सब फीचर्स निकाल देती है। तो पता नहीं ऐसा क्यों करती है। जैसे R15 में भी हम लोग को इंडोनेशिया सब बाहर के देशों में USD फॉक्स मिलते हैं और यहाँ हम लोग को नॉर्मल टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं। तो KTM Duke 125 भी आपको KTM Duke 200 वाली वही पुरानी वाली स्टाइल में आपको मिलेगी, ना ही आपको Duke 390 जैसा इसमें स्टाइल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये दो चीज़ कंपनी ने बहुत गलत किया इंडियन कस्टमर्स के साथ। और अगर हम लोग इसके कॉम्पिटिटर्स को देखें तो कॉम्पिटिटर्स में पल्सर NS200 में आपको सेम प्राइस में हायर डिस्प्लेसमेंट मिलता है, 23 bhp का पावर मिलता है, 200 cc इंजन मिलता है, उसमें भी सिंगल चैनल ABS आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग अपाची RTR 204V की बात करें तो वो भी बाइक इसी प्राइस रेंज में आपको डबल चैनल ABS देती है और 200 cc इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ भी आती है। तो दोस्तों, KTM Duke 125 का जो कंपटीशन है वो काफ़ी कड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं हायर इंजन डिस्प्लेसमेंट भी ऑफर करते हैं, ज़्यादा इंजन पावर भी ऑफर करते हैं और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी लगते हैं अगर आप KTM Duke 125 से डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। तो क्या आप लोग KTM Duke 125 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसके पीछे क्या रीज़न है जो आप KTM Duke 125 खरीदने के लिए रेडी है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि KTM Duke 125 वही कस्टमर खरीदेंगे जिनको स्टंट राइडिंग करनी है या जो स्टंट सीखना चाहते हैं, वो KTM Duke 125 पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग प्राइस के हिसाब से देखें तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। अगर हम लोग KTM Duke 125 से देखें तो इसका जो इंजन है वो 125 सीसी का है, तो पावर ऑफकोर्स है कि कम जनरेट करेगा ही, लेकिन आपको इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलते हैं। ये अच्छा किया कि इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स की जगह 6 स्पीड गियरबॉक्स दे दी। तो दोस्तों, यही है KTM Duke 125 के बारे में मेरे फ्रैंक ओपिनियन। तो आपको क्या लगता है कि ये बाइक इंडिया में सक्सेस करेगी कि नहीं, ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।